दोस्तों अभी हम लोग सकंबरी पार्किंग में ही हैं, तो आप देख सकते हैं ड्राइवर और हेल्पर के लिए रेस्ट के लिए कितना ही बढ़िया चौकी बिछा दिया गया है। तो ये ऐसा कम ही फैक्ट्री में देखने को मिलता है कि ड्राइवर और हेल्पर को इतना बढ़िया आराम के लिए चौकी लगाया गया, क्योंकि ड्राइवर भाई के लिए रेस्ट के लिए ये कंपनी इतना अच्छा कर रही है, तो आप लोगों को भी दिखाना बहुत जरूरी है। दोस्तों दिन के 1:30 बज चुके हैं और मुमताज भैया गए थे खाली करने, तो वो फोन करके अभी बोल रहे हैं कि आज खाली नहीं होगा, कल खाली होगा। तो आप देख सकते हैं फिलहाल हम लोग यही पार्किंग में खड़े हैं। तो शाम को ये धर्मेंद्र गया था मार्केट में, तो आज बोला भैया हमको चिकन खाने का मन है। हम बोले भाई जा और लेके आ जा। ये रहा हमारा चिकन। पहले हम लोग चिकन को प्याज और तेल के साथ में भूनेंगे। भाई स्टाइल वही पुराना वाला है, नया तो है नहीं बना रहे हैं, तो बार बार आप लोगों को दिखाएं कि इस तरीके से बनाएंगे, उस तरीके से बनाएंगे, उसमें जैसे पहले बनाते थे वही तरीका से बना रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो भाई पिछला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग सकंबरी इस्पात में पहुंच चुके थे, तो अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं और ये देखिए बगल का यही पार्किंग है सकंबरी इस्पात का और यही हमारा गाड़ी लगा हुआ है। तो फिलहाल हमारा एंट्री वगैरह सारा हो गया है और पास भी हमको मिल गया है, लेकिन कारण क्या है कि फैक्ट्री में थोड़ा जाम लगा हुआ है, इसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड रोक दिया है। तो आप देख सकते हैं पार्किंग के बगल में ही चाय दुकान है, फिलहाल आ गए हैं चाय पीने के लिए। और जो मुमताज भाई का गाड़ी था वो एंट्री करा के पहले ही निकल गया, लेकिन अभी हमको रोक दिया है 1 घंटा के लिए, बोला भैया अभी और गाड़ी गया है वो खाली नहीं हुआ है, पहले वो सब गाड़ी खाली होने दीजिए, उसके बाद आपका गाड़ी हम भेजेंगे वहाँ पे। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे फैक्ट्री है। तो ये जो पार्किंग है बहुत बड़ा पार्किंग है, यहाँ गाड़ी लोडिंग वाला खाली गाड़ी भी खड़ा है, बाकी जो बाहर से माल लेके आया फैक्ट्री में खाली करने के लिए वो भी लगा हुआ है। सारा लोग का पास बनता है, ड्राइवर का, हेल्पर का, आधार कार्ड वगैरह सारा लेता है तब जाने के लिए देता है। चलिए कोई बात नहीं, रात में हम लोग तो पहुंच गए थे सही सलामत से। चलिए ठीक है दोस्तों, अब चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद चलते हैं, गाड़ी का थोड़ा साफ़ सुथरा कर देंगे। और खाना पीना तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि अब होटल में खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि राशन वगैरह हो गया ख़त्म। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग यूट्यूब में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक में फॉलो कर लीजिए। दोस्तों ये रहा हमारा चाय, तो सुबह सुबह अभी पहला चाय हमारा हो रहा है सुबह का, क्योंकि यहाँ तो ठंडी वगैरह नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग सुबह 8 बजे सो के उठे थे, रात में हम लोग 2 बजे सोए थे। तो फिलहाल अभी बोले चलो पहले चाय पी लेते यार, उसके बाद दूसरा काम करते रहेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, उधर धर्मेंद्र का भी चाय निकला हुआ है, चाय पीते हैं और निकलते हैं गाड़ी के पास। दोस्तों अभी हम लोग सकंबरी पार्किंग में ही हैं, तो आप देख सकते हैं ड्राइवर और हेल्पर के लिए रेस्ट के लिए कितना ही बढ़िया चौकी बिछा दिया गया है। तो ये ऐसा कम ही फैक्ट्री में देखने को मिलता है कि ड्राइवर और हेल्पर को इतना बढ़िया आराम के लिए चौकी लगाया गया। फिलहाल देख सकते हैं चारों तरफ ड्राइवर भाई हेल्पर आराम कर सकता है, बगल में कैंटीन है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, कैंटीन में नाश्ता करते हैं। और ये देख सकते हैं पार्किंग का, अभी भी हमारा गाड़ी यहीं पे लगा हुआ है, अभी सिक्योरिटी गार्ड फ़ोन नहीं किया, जब फ़ोन करेगा तो गाड़ी लेके जाएंगे 1 किलोमीटर आगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हम सोचे चलो वीडियो इसका बना लेते हैं, क्योंकि ड्राइवर भाई के लिए रेस्ट के लिए ये कंपनी इतना अच्छा कर रही है, तो आप लोगों को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा नाश्ता, तो आप देख सकते हैं पूड़ी और आलू और चना का सब्जी है। चलिए ठीक है दोस्तों, नाश्ता कर लेते हैं, बाकी धर्मेंद्र भाई का भी नाश्ता आ रहा है, ये देख सकते हैं इधर। चलिए ठीक है दोस्तों, नाश्ता करते हैं। दोस्तों दिन के 10 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग गाड़ी पास नहीं हुआ है पार्किंग में हम लोग, तो फिलहाल देख सकते हैं नाश्ता कर रहे हैं, पूड़ी और आलू चना का सब्जी। चलिए नाश्ता करते हैं, और सिक्योरिटी साहब बोले हैं कि आपको आधा घंटा में फ़ोन करते हैं, उसके बाद आप प्लांट के अंदर गाड़ी ले लीजिएगा। दोस्तों दिन के 1:30 बज चुके हैं और मुमताज भैया गए थे खाली करने, तो वो फोन करके अभी बोल रहे हैं कि आज खाली नहीं होगा, कल खाली होगा। तो आप देख सकते हैं फिलहाल हम लोग यही पार्किंग में खड़े हैं, बड़ा पार्किंग है दोस्तों, तो यहीं पर खड़े हैं। अब चलते हैं फिलहाल खाना खाने के लिए, कहे कि बैठे सोते सोते गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोग गाड़ी अंदर ले, पर मुमताज भैया बोलते हैं कि हम तो अंदर आए पर इन लोग आज खाली नहीं करेगा, कल खाली करेगा। चलते हैं फिलहाल खाना वाना खाते हैं, आराम करते हैं। दोस्तों दिन के 2 बज चुके हैं और हम आ गए हैं खाना खाने के लिए कैंटीन में। तो हम लोग तो रात में ही आ गए थे, लेकिन अभी तक गाड़ी हमारा घुसा नहीं है फैक्ट्री में। कारण क्या है कि वहाँ पे बहुत जाम लगा हुआ है और मुमताज भाई का भी गाड़ी गया तो अभी खाली नहीं हुआ है। अभी मुमताज भाई फ़ोन किए तो बोले भैया बोल रहा है कल खाली करेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, 2 बज गया था, हमको भूख लग गया है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कैंटीन में यही खाना मिलता है भाई, चावल दाल, इधर पापड़, इधर बंदा गोभी का सब्जी है, भुंजिया है, और देखिए आज मछली मंगवा ली है, क्योंकि खाना अपने से बना नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा गैस भी ख़त्म हो गया और राशन भी ख़त्म हो गया। तो हम बोले चलो कोई बात नहीं,
खाना खा लेते हैं कैंटीन में ही, क्योंकि अपने से बना बना खा के भी कभी कभी हम लोग बोर हो जाते हैं, तो होटल का भी इंजॉय लेना चाहिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, खाते हैं। बाकी धर्मेंद्र जी का भी उधर खाना निकला हुआ है। धर्मेंद्र, हम लोग आ गए खा पी के आराम से, गाड़ी में सोएंगे क्योंकि 3 दिन से जगे हुए हैं। गुवाहाटी से 1000 किलोमीटर मात्र 36 घंटा में पहुंच गए यहाँ पे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं, उसके बाद आराम करेंगे। दोस्तों शाम के 4:30 बज चुके हैं और हमारा गाड़ी तो पास हुआ नहीं, अभी हम लोग पार्किंग में हैं। तो फिलहाल यहाँ से 1 किलोमीटर आगे मार्केट है, तो वहाँ जाते हैं। हम लोग का राशन नहीं है, राशन वगैरह ले लेंगे, उसके बाद बनाएंगे खाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल जाते हैं, राशन लेके आते हैं। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और ये देखिए मुमताज भाई हमारे पास आ गए हैं। तो इनका भी गाड़ी फैक्ट्री के अंदर में ही है, अब खाली नहीं हो रहा है। अब इनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है। वही बोल रहे कल खाली होगा, अभी सैंपल लेके गया है, कल वही 10 बजे तक खाली होगा। मतलब सैंपल पहले चेक करता है ना। तो गाड़ी नहीं खाली हुआ आपका? नहीं नहीं खाली नहीं हुआ। और हमारा गाड़ी कैसे क्या होगा, हमारा पार्किंग में छोड़ दिया है। कल लेके जाएगा आपका गाड़ी, कल कल। बाकी उधर 2 गाड़ी उधर भी लगा हुआ, नहीं देख रहे हैं वो जो बोकारो वाला गाड़ी है, वो दोनों गाड़ी भी जाएगा। बोकारो का है साहब? वो दोनों बोकारो का ही गाड़ी है, वो भी हम लोग से एक दिन पहले लोड किया था। अच्छा। लेकिन आज आ रहा है वो। अच्छा। ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम। तो चलिए अभी धर्मेंद्र को भेज दिए हैं राशन लाने के लिए, वो राशन लेके आएगा सब्जी वब्जी, रात में रोटी वगैरह बनाएंगे। तो चलती है, बगल में चाय दुकान है, चाय पी लेते हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं चाय पीने के लिए। मुमताज भाई का गाड़ी नहीं खाली हुआ, बहुत दुखी है। कहा भैया कहा है कि गाड़ी खींच के हम लोग रात में 1 बजे ही आ गए थे। हम लोग सोचे दोनों भाई के गाड़ी खाली हो जाएगा तो कल का समय में लोड कर लेंगे, क्या कल दिन में हम लोग को लोड भी हो जाता है गाड़ी कहीं ना कहीं का, लेकिन अब फंस गए हम लोग। और ये देख सकते हैं ये दोनों गाड़ी जिस दिन हम लोग काटा कराने गए थे लोडिंग के लिए, खाली गाड़ी उसी दिन दोनों गाड़ी लोड करके खड़ा था, और वो आज ही लगता है दोनों आया, तो इन लोग दोनों भी यहीं पर खड़ा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, पहले चाय पानी पीते हैं। अभी तो हम लोग पार्किंग में ही है, देख सकते हैं पार्किंग का नज़ारा, चारों तरफ सब लोडिंग गाड़ी के लिए आया हुआ है। कुछ खाली गाड़ी है, कुछ लोड गाड़ी है। यहाँ से फैक्ट्री 1 किलोमीटर अंदर में है पहाड़ के नीचे। दोस्तों ये रहा हमारा चाय, अब शाम भी हो गया तो चाय पी लेते हैं। इधर मुमताज भाई जो है बिस्कुट साथ चाय का भी मजा ले रहे हैं। कैसा लग रहा चाय भैया? बढ़िया बढ़िया लग रहा है ना, बिस्कुट के साथ चाय का मजा लीजिए। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और हमने राशन ले आया है, देख सकते हैं। चिकन ले लिए थे 1/2 किलो, आलू प्याज चावल, गैस कम था, सब भरवा लिए और राशन भी ले लिए। तब चलते हैं खाना बनाने, गाड़ी तो हम लोग का प्लांट में खाली नहीं हुआ अभी तक, क्या पता देखिए कल हो सकता है। चलिए क्या कर सकते हैं, बनाते खाते सोते हैं। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और हम देख सकते हैं आटा सान लिया है और उधर प्याज टमाटर ये सब रेडी कर लिया है मसाला चिकन बनाने के लिए। तो चलते हैं अब रोटी बनाने के लिए, हमारा आटा भी रेडी हो गया दोस्तों, अब चलते हैं रोटी बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों रोटी हमारा हो रहा है, एक रोटी बेल लिए हैं, एक इधर सेक रहे हैं। अब इसको देखिए मस्त फुला देते हैं। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और धर्मेंद्र जो है वो रोटी बना लिया है। तो शाम को ये धर्मेंद्र गया था मार्केट में, तो आज बोला भैया हमको चिकन खाने का मन है, तो हम बोले भाई जा और लेके आ जा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा चिकन आ चुका है, तो रोटी तो धर्मेंद्र भाई बना लिया है, अब चलते हैं हम चिकन बनाने के लिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इधर कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं और तेल भी हमारा गर्म हो गया है। तो चलिए पहले तेजपत्ता डाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग का बनाने का जो तरीका है स्टाइल है वही पुराना वाला ही है, तो बार बार एक ही चीज़ को दिखाने में मज़ा नहीं आता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तेजपत्ता डाल दिए, आप प्याज डाल दे रहे हैं, ये देखिए प्याज हमारा चला गया। वह प्याज को गला लेते हैं तेल के साथ में। दोस्तों हमारा प्याज आधा से ज़्यादा फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं। तो ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे भाई, क्या कि ज़्यादा फ्राई करने के बाद जो है प्याज जल जाता है। तो चलिए चिकन को भी भूनना है, तो अब चिकन को डाल देते हैं इसमें। ये रहा हमारा चिकन,
पहले हम लोग चिकन को प्याज और तेल के साथ में भूनेंगे। भाई स्टाइल वही पुराना वाला है, नया तो है नहीं बना रहे हैं कि बार बार आप लोगों को दिखाएं कि इस तरीके से बनाएंगे उस तरीके से बनाएंगे, तो जो जैसे पहले बनाते थे वही तरीका से बना रहे हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसको भी बढ़िया से भून लेते हैं, क्योंकि ये जो चिकन है वो पानी छोड़ता है, इसलिए बढ़िया से तेल फ्राई कर देंगे, सारा पानी निकल जाएगा चिकन का और चिकन जो है तेल के साथ में फ्राई होकर थोड़ा टाइट भी हो जाएगा तो खाने में अच्छा लगता है। दोस्तों हमारा चिकन जो है देखिए बढ़िया से फ्राई कर दिए हैं तेल में, तो देखिए पूरा कढ़ाई में अब सट भी रहा है। तो चलिए तेल के साथ में चिकन फ्राई हो गया, देख सकते हैं बढ़िया से अब मसाला डाल दे रहे हैं, इसमें मिक्स मसाला है और लहसुन और हरा मिर्च भी कूट के इसमें साथ में डाल दिए हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों डाल देते हैं इसको और मसाला के साथ में भूनते हैं चिकन को। दोस्तों देखिए चिकन हम लोग भून चुके हैं और कितना ही बढ़िया मसाला के साथ में हमारा चिकन फ्राई हो चुका है और तेल भी छोड़ दिया है। तो चलिए इसमें नमक नहीं डाले थे और नमक भी डाल देते हैं, ये रहा हमारा नमक, नमक कम ही डालेंगे भाई यार, थोड़ा टाइट बनाना है मतलब ग्रेवी कम रखना है क्योंकि रोटी के साथ हम लोगों को खाना है। तो चलिए ठीक है दोस्तों अब हमारा हो ही गया है चिकन, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको उतार देंगे। ये बॉयलर चिकन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है, देखिए कितना ही बढ़िया कलर में आ गया है, बस 10 मिनट में उतार देंगे, थोड़ा सा और सुखाएंगे फिर पानी थोड़ा डाल के उसको उतारेंगे। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं, अब चलते हैं खाना खाने के लिए। तो रोटी हम बना लिए थे देख सकते हैं, चलिए अब निकालते हैं चिकन। चिकन मस्ती बना है दोस्तों, ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बना है। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और हमारा खाना निकल चुका है, तो आप देख सकते हैं उधर धर्मेंद्र का भी और इधर हमारा दोनों भाई का थाली निकल चुका है। और आज हम लोग चिकन बना लिए थे एकदम सूखा, तो देखिए थोड़ा भी नहीं डाले हैं पानी और देखिए थोड़ा सा तेल भी छोड़ दिया है। तो चलिए खा के देखते हैं, चिकन काफ़ी स्वादिष्ट बना है दोस्तों, हकीकत में बोल रहे हैं, हम झूठ कभी बोलते नहीं हैं और ख़ासकर अन्न का हम लोग बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि हम लोग इसी को कमाने के लिए दिन रात गाड़ी चलाते हैं, बाहर में रहते हैं, इसीलिए हम लोग कभी भी खाना का बुराई नहीं करते हैं और जैसा रहता है वैसा ही बोलते हैं। तो चलिए ठीक है, बाकी चिकन का पीस भी देखते हैं, बढ़िया से गल भी गया है और काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है खाने में, बहुत ही बढ़िया बना है दोस्तों, गर्मा गर्म चिकन है और ख़ासकर ठंडी में, तो ठंडी में चिकन खाने का कुछ अपना ही मज़ा है और हम लोग को आसान यही लगता है बनाने में क्योंकि आलू गोभी का सब्जी भी बनाते हैं तो उतना ही टाइम लग जाता है, उससे बढ़िया चिकन ही बना लेते हैं फटाफट बन जाता है। वाह लाजवाब दोस्तों, कहने का नहीं, ये कलेजी पुट है एकदम शानदार, खा के मजा आ रहा, सब दिन से आज चिकन लग रहा है एकदम बेस्ट, रोटी चिकन खाए कि हम लोग चिकन चावल यही खाते थे, आज रोटी पे बनाए तो अच्छा लग रहा, चिकन का पीस भी सिंज गया, ठीक है दोस्तों खाना खाते हैं। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हमारा खाना पीना हो चुका है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ में कल रात में हम लोग एंट्री किए थे यहाँ पे वो उम्मीद पर सारा पानी फिर गया क्योंकि आज दिन भर हमारा गाड़ी पार्किंग में ही खड़ा रह गया, गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग में जा नहीं पाया, तो फिलहाल अभी भी हम लोग पार्किंग में ही हैं, आप लोग तो देख ही रहे हैं। तो चलिए अब कल नेक्स्ट डे में देखते हैं कैसे क्या होने वाला है, अगला वाला ब्लॉक में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, फिलहाल तो अभी यहीं पर है और इसी के साथ इस ब्लॉक को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, गुड नाइट, जय हिंद।